हाँ भाई नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम जो कि आपके सामने है लाइव और बहुत ही बेहतरीन सेशन के साथ। आज ऐसे ही 11 कॉलेज लेकर आया हूँ जिनकी फीस क्या हो गया मेरे को बोलते यू नो सब शब्द लड़खड़ाने लगे हैं, हो जाता है बेटा ऐसा कभी। हाँ तो जिनकी फीस बहुत ही ज्यादा कम है, पढ़ने में आएगा बहुत मजा और एंट्रेंस टफ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस आपके लिए लेकर आया हूं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना ज्यादा विलंब के। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बिकॉज ऐसे कंटेंट को बनाने में सच बता रहा हूं बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है तब जाके ऐसा कॉन्टेंट बनता है। और जो बच्चा जिस भी टाइम पे इस वीडियो को देखे नीचे अपना कमेंट जरूर छोड़े जाना कि सर सेशन अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, एवरेज था, बुरा था, और अगर अच्छा लगे ना तो एक छोटा सा दिल जरूरी है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। People, are you all ready? सारी जनता तैयार? You are on the chat box, people. Come on. Everyone, जनता तैयार? चलो भाई। ये रवीश सर 25 डिग्री पे एसी चला रहे हैं। रवीश सर आप फिर एसी चलाते ही काय हो? नहीं मतलब बता दो एसी की जरूरत ही क्या है, आप ऐसा कूलर ना लगवा दें हम आपके लिए। क्यों रवीश सर कूलर लगवा देते हैं, ऐसे एसी काहे नहीं लगाते हो फिर? 25 डिग्री पे एसी कौन चलाता है? चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा बता दूं आपको, इस सेशन का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो हर सेशन का पीडीएफ तुमको चाहिए होता है क्योंकि जो सेशन अच्छे होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़िया होता है उस सेशन का पीडीएफ तो तुमको चाहिए था ताकि रेफरेंस रहे तुम्हारे पास। तो पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे सर्च कर लो इस नाम से या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, ठीक। चलिए मैं तो तैयार हूँ, सारे लोग जल्दी से वीडियो लाइक करो। आ रहा है आपके सामने पहला कॉलेज आपके स्क्रीन पे। कैन यू गेस द फर्स्ट कॉलेज नेम? पहले कॉलेज का नाम कोई गेस कर सकता है? जल्दी से बताओ यस और नो, जल्दी से कोई पहले कॉलेज का नाम गेस करेगा? कौन सा कॉलेज है पहला? नहीं सर, इंसेन बोलता है नहीं सर। अच्छा बाकी लोग आईएससी? अच्छा बेटा आई सर, आईएससी, डीयू, नहीं सर ये सब तो बोल दूंगा मैं, फीस कम है अनडाउटेडली, लेकिन जाओगे कैसे इसमें, जाओगे कैसे वो तो हमको ही पता है। अब मान लो मैं लेकर आऊं बेस्ट कॉलेजेस ऑफ इंडिया और उसमें लिखूं पहला कॉलेज आईआईटी, तो क्या नया बता दिया मैंने? आईआईटी तो पूरी दुनिया जानती है कि बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया है। तो भाई ऐसा वाला कॉलेज मैं लेकर ही नहीं आया हूँ ना जहाँ पे है तो बहुत कम फीस लेकिन जाना ही असंभव है, तो वो मेरे को एक पता है। लेकिन ऐसा मैं तुम्हारे साथ ऐसा छल नहीं करने आया हूँ क्योंकि ऐसा अगर कॉन्टेंट लेकर आऊंगा मतलब बेसिकली सिर्फ व्यूज बटोरने आया हूँ, छल करने आया हूँ, तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। पहला कॉलेज आपकी स्क्रीन पे जो बजट फ्रेंडली कॉलेज है, और इसमें क्या क्या बताऊंगा, एलिजिबिलिटी बताऊंगा, पैकेज बताऊंगा, एनआईआरएफ रैंकिंग, फीस और एडमिशन का मोड, ठीक है। यही सब तो जानना है ना तुमको, यही जानना है ना, बस लेकर आया हूँ पहला कॉलेज। चल भाई पहला कॉलेज का नाम है महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदा, वडोदरा में है ये, गुजरात में है ये यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। इसीलिए बोला आज ऐसे ऐसे कॉलेजेस लेकर आया हूँ बेटा जो रिसर्च कर लेकर आया हूँ। सारे कॉलेजेस सुन के ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा तुमको, तुम बोलो वाह सर क्या कॉलेज लेकर आया हूँ। अब कब ये पूरे कॉलेज के बारे में देख लो, कब एस्टैब्लिश हुआ? 1949 मतलब यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज है, वडोदरा में है, 274 एकड़ का कैंपस है, मतलब अच्छा खासा बड़ा यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है तो फीस कम है, ए ग्रेड कॉलेज है, एनएएसी ने इसको ए ग्रेड कॉलेज कहा है तो ये लो लेवल का कॉलेज नहीं है, एनआईआरएफ रैंकिंग 137 है उसको साइड रखो, ग्रेड ए है ये अच्छी बात है। मूविंग फॉरवर्ड फीस देखो जल्दी से 7,640 रुपए, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो लोग एक घर का किराया देते हैं, तुम जहां रहते होगे तुम्हारे घर का किराया भी 2 BHK 3 BHK कहीं रहते होगे, किराया इससे ज्यादा है कम है? हर हाल में इससे ज्यादा होगा भाई, इतना सस्ता तो किराया नहीं मिलता जितना ये ले रहे, और ऊपर से किराया तो तुम्हारा महीने का रहता है, अरे शिट ये तो साल का है, मैं तो भाई कैसे भूल गया है ना। और आईएनआर 30,000 to 40,000 3 से 4 साल का, मतलब बहुत ही ज्यादा सस्ता भाई, बहुत ही ज्यादा सस्ता। अब होता कैसे है इसमें एडमिशन, गुजरात का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है हर स्टेट का उससे होता है, JEE मेन से भी होता है, और अच्छी बात ये बेटा 12वीं के बोर्ड एग्जाम से भी होता है। अच्छा। तो आपको ऐसा डरने की जरूरत ही नहीं है कि अरे सर कॉलेज तो बहुत बढ़िया है बहुत सस्ता है लेकिन एडमिशन नहीं होगा। अरे होगा, गुजरात CET नहीं दे सकते हो यही बोलोगे सर गुजरात CET कैसे देंगे? अरे मत दो ना, JEE मेन से दे लो। तुमको क्या लगता है JEE मेंस का टॉप रैंकर यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा भाई, टॉप रैंकर IIT जाएगा, NIT जाएगा, IIIT जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। अब बहुतों को तो पता ही नहीं है, पता है बिल्कुल नहीं पता है। देश में
ये सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाने वाला बच्चा कितना, करीबन 20 लाख बच्चा या उससे भी ज्यादा, क्योंकि इसमें से 10 लाख बच्चा ऐसा है जो आईआईटी देता है, ठीक है, मैं उसका डबल मान लूं 20 लाख। मेरे इस वीडियो को अगर 2 लाख बच्चा भी देखता है, 2 लाख बच्चा भी देखता है, तो सिर्फ 10% बच्चे को पता चला ऐसे कॉलेजेस के बारे में, बाकी 90% तो अभी भी इधर उधर घूम रहे होंगे, समझे। तो इसलिए ऐसा मत सोचना कि इस जगह सब कोई चला जाएगा, मेंस का रैंकिंग ऊपर जाएगा ना, और अगर वो भी चला गया खुदा ना खास से, तो 12वीं का नंबर है ना, हो जाएगा एडमिशन। अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इनफैक्ट मैं जानता हूँ पर्सनली, एक मेरे जान पे, मतलब मेरे ही फैमिली का एक बच्चा है जो यहाँ पढ़ता है, इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कोर्सेज देता है, देखो बीटेक कराता है, सबसे अच्छी बात, क्या क्या कोर्सेज, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इरिगेशन, वाटर, मैकेनिकल, टेक्सटाइल, मेटलर्जी, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल, मतलब मेजर कोर्सेज हैं इसमें, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, 10+2 में सिर्फ 45%, देख रहे हो, एलिजिबिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ 45%, और पैकेज अराउंड 4 लाख का एवरेज पैकेज है। हो सकता है बच्चा सोचा रहे सर बहुत खराब पैकेज है, आओ हम दिखाते हैं कितना अच्छा पैकेज, आओ तुमसे पैसा लिया जी 40,000 रुपया, तुमको एवरेज पैकेज दिया जी 400,000 का, मतलब 4 लाख का, ऐसा ही है। तो जितना पैसा तुमसे लिया उसका इंटू 10x, 10 गुना ज्यादा बड़ा पैकेज दिया, यही किया ना। अब चलो आओ आईआईटी के बारे में जब बात करते हैं, आईआईटी पैसा लेता है कितना, 9 लाख रुपए लेता है, 9 लाख रुपए। तो अगर आईआईटी इतना अच्छा है या इससे ज्यादा अच्छा है, तो एवरेज पैकेज आईआईटी का कितना होना चाहिए, 90 लाख रुपए। अरे चाचा 90 लाख एवरेज छोड़ो, हाईएस्ट भी नहीं होता है, होता है नहीं होता है। तो अगर 40,000 रुपए लेके 4 लाख दे रहा है, क्या बुरा कर रहा है भाई, इसके ऊपर तुम अगर काबिल हो तो निकाल लेना अपना और अच्छा पैकेज। ऐसा थोड़ी है कि ये एवरेज है तो इससे ऊपर नहीं जाता होगा भाई, यहाँ पे 10-12 लाख रुपए का भी पैकेज लगता होगा, पैसा तो 40,000 ले रहा है ना। अच्छे से अगर पढ़ जाओगे, देखो एक बात तो पक्की है बेटा, आईआईटी में 9 लाख रुपए फीस लगा के जो बच्चा 12 लाख का पैकेज लेता है, ऐसा नहीं है कि इसका नौकरी सिक्योर्ड है। अरे अगर ये बेवकूफ निकला ना, इसको भी लात मार के निकाल देंगे। और इसीलिए इस बच्चे को जिसको लेंगे ना, ऐसा नहीं कि ये यहीं लटक के रह जाएगा, अगर ये काबिल है तो ये 12 या 22 एक 12 करोड़ पे चला जाएगा, 12 लाख छोड़ो 12 करोड़। तो इसीलिए ये सारे कॉलेजेस ना हमारे देश के वो नगीने हैं जो छुपे हुए हैं, लोगों को पता नहीं है कि भाई हमारे देश में हमारी सरकारें ऐसी कॉलेजेस चलाती हैं जहां पे 30-40 हजार में आज भी पढ़ाई हो जाती है, बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि पैकेज, प्लेसमेंट, ऑनलाइन, यही सब चीजों में लोग घुसे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है रियलिटी में। सोचो ना, इस कॉलेज के बारे में तुमने कहीं नहीं देखा होगा, बहुत रिसर्च करके निकाला हूं, बहुत रिसर्च करके इस कॉलेज के बारे में तुमने कहीं नहीं सुना होगा, सुना है कहीं भी, आज मैं गारंटी लिख देता हूं, एक वीडियो बना बता दो यूट्यूब पे जो बताता है कि नहीं भाई महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा में जाओ, एक वीडियो बना दो, बता दो नहीं है। क्यों नहीं है? अरे कोई ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है इसका, कहीं कोई पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं है इसका, लेकिन पैकेजेस जाते हैं यहाँ पे भी, सिर्फ 30,000 रुपए में बीटेक करा दे रहा है, और क्या चाहिए तुमको, समझ रहे हो। इसीलिए ऐसे कॉलेजेस हैं हमारे देश में भरे हुए, तुम अगर ध्यान से खोजने की कोशिश करोगे ना, बहुत बेहतरीन निकलेगा। इसीलिए तो आज ये 11 कॉलेज लेकर आया, समझे। और ये वाला ना, जैसे ही जब तुम वीडियो देख लोगे, हर हाल में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनका भी भला करना, ऐसा मत लालची मत हो जाना, अरे हमारा एक सीट हमारा दोस्त ले गया तो, नहीं ऐसा लालच मत करना, दूसरे का भला करोगे तुम्हारा भी भला होगा, कर भला तो हो भला, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तुम बोलोगे सर दूध निकलवाइएगा, अरे जान जाओगे ना इसके बारे में, सर उड़ जाएगा, सच बता रहे, माथा उड़ जाएगा एकदम, ऐसा बेहतरीन इंस्टीट्यूट, ऐसा बेहतरीन, अभी बता देते हैं एक बात, तुम इसके बाद ना इसको छोड़ोगे नहीं, यहीं पे चिपक जाओगे, ये ऐसा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जो भी कह लो, आज तक बेटा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड 100% प्लेसमेंट जब से बना है तब से, मतलब इतना अगर मैं ना भी बोल पाऊं गारंटी से, तो मैंने पिछले 5 से 7 साल का डेटा निकाला है, 100 का ना 90% भी नहीं हुआ है, 100% प्लेसमेंट दिया है, 100% एक भी बच्चा जो नौकरी चाहता हो इस इंस्टीट्यूट से और उसको ना मिला हो, ऐसा है ही नहीं, 100% प्लेसमेंट। अब बोलो, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूं एकदम, तुमको पता है भाई दो दिन लगा, मतलब मेरे को और रवीश सर को 2 पूरे दिन लगे हैं ये 11 कॉलेजेस निकालने में, इसीलिए बोला कि बेटा माल चोखा है, मजा आ जाएगा। देखो क्या करते हैं इसमें, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है ये, ठीक है, करनाल हरियाणा। अब देखो क्या होता है, पहला तो 1955 में स्टैब्लिश किया गया, देख लो कितना पुराना है,
फिर से इसके साथ भी वही दिक्कत है, ये बेचारा भी उसी हालात का मारा है, ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट है तो कहीं कोई यूट्यूब पे ऐड नहीं है, इंस्टाग्राम का पेज नहीं है, फोटो में एडवर्टीजमेंट नहीं है इसलिए लोग जानते नहीं है, बट इतना चोखा यूनिवर्सिटी है अभी दिखाता है कैसे। देखो आ जाओ, करनाल हरियाणा में है, 1384 एकड़, एक आईआईटी बताओ, एक जिसका कैंपस इतना बड़ा, एक आईआईटी चलो छोड़ दो, एक आईएससी बताओ, आईएससी तो एक ही है उसका भी नहीं है, चलो एक आईसर बता दो जिसका इतना बड़ा कैंपस है, अरे चलो कोई कॉलेज बता दो जिसका इतना बड़ा कैंपस है, बता दो तुम ही बता दो, कहीं नहीं। केजीपी, अरे चल केजीपी का जरा पता करिए, रवि सर आईआईटी बच्चा बोल रहा है आईआईटी केजीपी, खड़गपुर का जरा पता कीजिए कि आईआईटी केजीपी का कितना बड़ा कैंपस है, देख रहे चेक करवा रहे हैं, तुम लोग हमको चैलेंज क्यों नहीं, यही लाइव चेक करवा देंगे केजीपी का कैंपस कितना बड़ा है, 1384 एकड़ का कैंपस है, अरे ज्यादा है, ठीक है सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट देखो कोई बात नहीं, देखो तुमको पता ही है मास्टर का ऐसे ही बहुत बार पोपट हुआ है तो इट्स ओके, मास्टर का पोपट होते रहता है, इट्स ओके, नो इश्यूज, आई टेक माय वर्ड्स बैक, बट मुद्दे की बात क्या है, देखो कोई हंसेगा नहीं, मास्टर का बेइज्जती हो रहा है तो वहां से रोना रहा है, सब चुप रहो, एक तो इतना मेहनत करके कंटेंट आपको दिखाऊंगा नहीं, दो ही कॉलेज दिखा के वीडियो बंद कर दूंगा, इसलिए सारे लोग बोलो हर सर जिंदाबाद, सारे लोग चैट बॉक्स में बोलेगा तभी जाके आगे वीडियो चलेगा, आईआईटी कानपुर से ज्यादा है, आईआईटी कानपुर, अब तुम भी मेरी बेइज्जती कर लो, तुमको तो भगा ही दूंगा तुरंत, इनको तो मैं बोल के ऐसा कर लूंगा जिंदाबाद, तुमसे 10 बार उठक बैठक करवा दूंगा, हाँ नहीं तो ये सामने सामने वीडियो में लाइव वीडियो में मेरा बेइज्जती कर, कानपुर सारे लोग हर सर जिंदाबाद बोलो तभी वीडियो आगे चलेगा बेटा, नहीं तो सारा रिसर्च कॉन्टेंट गया तेरे लेने, हर सर जिंदाबाद, चलो ठीक है थैंक यू बेटा, वही तो मतलब ऐसा ईगो पे टच कर दिया था, मेरा हर्ट मार दिया था, मेरे को लगा ऐसे बेइज्जती हो गई लाइव क्लास में, हाँ चलो यार यू नो जोश जोश में इमोशन में कभी थोड़ा ज्यादा निकल जाता है, बट खैर जोक सपाट, मुद्दे की बात यह है कि भाई 1384 एकड़ का कैंपस है तो जैसे गाय भैंस यहाँ घूमती तुम भी घूम सकते हो गाय भैंस की तरह नहीं सॉरी साथ साथ उनके, तो तुम भी गाय भैंस के साथ साथ घूम सकते हो, इतना बड़ा कैंपस है कहीं भी लेट जाओ, समझ रहे हो, तो बड़ा कैंपस है, भव्य कैंपस है, बहुत पुराना यूनिवर्सिटी है, सरकारी है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, एनआईआरएफ रैंकिंग को चलिए अभी साइड करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी इसका पैकेज और फीस देखोगे तुम्हारी आंखें चौंधिया जाएंगी, देखो कैसे 8 से 10 हजार पर ईयर, अरे मैं 10 नहीं 15 मान लो यार, 15 चलो 15 मान लो, 60,000 रुपया, अरे भाई 15 चुके 60,000, मतलब अगर साल का माने तो 5 महीना का माने तो 5,000 रुपया, अरे राम राम, सिर्फ 5,000 रुपया महीने का, इतना ये फीस है, इतनी तो स्कूल की फीस होगी तुम्हारी, है ना स्कूल की फीस, इससे भी ज्यादा होगी, वो जो डीपीएस वीपीएस वाले जो बच्चे हैं, जो बड़े बड़े हैं, मतलब अमीर अमीर बच्चे हैं, वो उनका तो इससे भी ज्यादा होता है भाई, सिर्फ 60,000 में, अरे नहीं एक मिनट सॉरी 60,000 में तो साल का, अरे भाई 15 इंटू 4 साल का, ओ भाई अरे अत्यंत सस्ता है भाई, अत्यंत सस्ता, बस 15,000 एक साल का, उसके बाद 3 से 4 साल का 40,000 रुपये, ये तो हो गया स्कॉलरशिप, ओ हो हो, मतलब ये लगता है दामाद ही बना के मानेंगे तुमको, पहले तो तुमको पढ़ाएंगे भी, पैसा भी नहीं लेंगे, और लेंगे तो इतना कम लेंगे, और जो पैसा लेंगे वो भी वापस कर देंगे स्कॉलरशिप के माध्यम से, लो इतना बढ़िया। अब आओ इधर, मोड ऑफ एडमिशन ऑनलाइन है, ICAR AIEEE का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, IAS इसका अभी डेट बचा हुआ है, जरा रवि सर पता कर दो इसका डेट बचा हुआ है कि खत्म हो गया, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, क्या हुआ CUET से होता है, अभी हमको अपडेट दिया अनुपम सर की ये CUET से होता है, ये रवि सर लगता है पुराना वाला डेटा डाल दिए एकदम, अभी तुरंत अनुपम सर बताया CUET से हो रहा है एंट्रेंस, तो बेटा CUET दे दो इसमें एंट्रेंस है, अब चलो देखते हैं इसका पैकेज, चलो गेस मारो, गैस मारो 40,000 रुपए अगर 4 साल का कोई फीस ले रहा है 40,000, गैस मारो एवरेज पैकेज, चैट बॉक्स जल्दी एवरेज पैकेज गैस मारो, मैं वेट कर रहा हूं, 6 लाख 5 लाख 10 लाख, बेटा 10 करोड़ बोलो ना, 6 लाख 5 लाख 5 लाख 6 लाख 5 करोड़, अरे नहीं बेटा 25 करोड़ देता, कम से कम 25 करोड़, और साथ में 20 गाय और 20 भैंस भी, उससे कम में लोग जाने नहीं देते हैं, 20 गाय 20 भैंस तुमको दहेज में देके भेजेंगे, तुम काहे चिंता करते हो, आओ तो 40,000 का एवरेज देने वाला 4.5 से 6.5 लाख पर ईयर का एवरेज पैकेज देता है, कितना एवरेज, अगेन इन्वेस्टमेंट ऑन योर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, 40,000 की फीस 40K की फीस, और आपका 45 है तो 45 में मान लेते 440K मिनिमम एवरेज लिया बेटा इंटू 11 गुना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का, वो भी 4 साल का इन्वेस्टमेंट 11 गुना करके 1 साल में लौटा रहा है,
तो अगर ईयर टू ईयर मैपिंग करोगे तो आपका एक साल का फीस यहाँ पे कितना है 10,000। 10,000 के फीस में तुमको दे कितना रहा है 4,40,000, मतलब 44 गुना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर रहा है, 44 times। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? अब समझ में आया, जो जो बच्चा बोलता है कि ये सारे इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज अच्छे नहीं है, कि अरे 4,00,000 का पैकेज देता है, अरे ले रहा है तुमसे सिर्फ 40,000 एक साल में, देखोगे तो सिर्फ 10,000 एक साल में ले रहा है और 4,00,000 रुपए दे रहा है। इससे बेहतर कुछ भी है? कुछ भी एक चीज बता दो, IIT भी इससे बेहतर है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है IIT इससे बेहतर। अरे IIT छोड़ो, NIT बेहतर है क्या इससे? नहीं है भाई, NIT में भी 70,000 एक साल का फीस है, जाके पता करिए। बेहतरीन चीज है भाई, बेहतरीन चीज। एक बच्चा बोल रहा है गाय फ्री, बेटा गाय नहीं देते हैं ये लोग फ्री में, लेकिन हाँ जब बच्चा, जो जो बच्चा कॉन्वोकेशन होता है ना, तो हर बच्चे को कॉन्वोकेशन में 2 किलो गोबर दिया जाता है, ताकि आगे चल के आप गोबर और गौमूत्र को हर रोज अपने मतलब माथे से लगाएं और कुछ अच्छा अपने भविष्य में करें। गोबर मिलेगा आपको फ्री में, ठीक है? 2 किलो गोबर हर बच्चे को फ्री देते हैं। बकरी, हाँ बिल्कुल, चिंता नहीं कीजिए। आइए अब नेक्स्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सेंगीपट्टी, आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा नाम थोड़ा कठिन है। से मेरे को लगता है ना, कुछ कुछ कॉलेजेस ना रवि सर इसलिए डाल देते हैं कि हर सर के मजे हो जाए, कि मतलब अब उनको पता रहता है कि हर सर तो इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे एक बार में, मतलब ऐसे भी अब भाई हिंदी भाषी वाले लोग ऐसे नाम कैसे पढ़े, तो वो डाल देते हैं जबरदस्ती जान पूछ के। एक बार जर बोल के दिखाएगा तो जिब्वा आपका टेढ़ा होगा, तब ज्यादा मजा आएगा। तो हम पढ़ लिए पहली बार में, सेंगीपट्टी इसका नाम है, ठीक है? अब लेन कॉलेज बहुत बढ़िया है, चलिए आइए देखते हैं। 2012 में आया है, समझ रहे हो, आजादी के टाइम पे, नहीं आजादी से बहुत बाद में आया, 2012, ठीक है, अभी इमोशन में थोड़ा आजादी हो गई। 2012 में एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन अच्छा है, चलो देखो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बोल दिया था, सॉरी, अरे हो जा रहा है यार, यू नो लाइव वीडियोस में पता नहीं कुछ होने लगता है मेरे को। तमिलनाडु में है, 35 acres का कैंपस है, बहुत ही बड़ा भव्य कैंपस नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा कैंपस है, ठीक है। अभी देखिए आगे की बात, गवर्नमेंट कॉलेजेस सबसे बड़ी बात, नॉट एग्रीगेटेड बाई NAS और NIRF की रैंकिंग भी नहीं है। अच्छा रवि सर एक बात बताओ, हमने सेशन बनाया है कि भाई बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस दिए जाए, या अगर जैसे भी हो बट बच्चों को कॉलेज अच्छा लगना चाहिए, जब इसकी NIRF रैंकिंग भी नहीं थी और NSE ने इसको एग्रीगेट भी नहीं, तो ये डेटा लिखना जरूरी था आपको, कि मतलब बच्चा देखे कि अच्छा इसका रैंकिंग भी नहीं मिल पाया है और NASE इसको रेड भी नहीं कर पाया है, तो बच्चों को इसको इसके अंदर डलवाना है कि इससे भगवाना है, क्या कह रहे हो ये बता दो। नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं, ये सब साजिश है रवीश सर की, वो चाह रहे हैं कि सारे सीट वही अकेले हड़प लें और बाद में बच्चा को 1-1,00,000 रुपए में बेचेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉलेज अच्छा है, रेटिंग नहीं डाला है रवीश सर ने, इसको छोड़ दीजिए, लेट्स रिमूव दिस, बट हाँ कॉलेज बढ़िया है, क्योंकि साथ में मैं भी बैठा था, रवीश सर कुछ ना कुछ बदमाशी करते जरूर रहते हैं पैसा कमाने के लिए। हाँ फीस पे आ जाइए, तो एक साल का 9,395 रुपया, हम इतना डिस्काउंट लेंगे नहीं, हम रफ फिगर 10,000 रुपया ले रहे हैं एक साल का, 4 साल के 40,000, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल। एंट्रेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंट्रेंस दिया मतलब अलाउड होता है, वो है TNEA, तमिलनाडु एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है? तो ये तमिलनाडु का लोकल मतलब लोकल इन द सेंस स्टेट का एग्जामिनेशन है, मुझे नहीं पता बाकी इंडिया के बच्चे इसमें अलाउड एलिजिबल है कि नहीं, बट आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर एलिजिबल है तो गो फॉर इट, ठीक है? अच्छी कॉलेज है, 10,000 रुपए सिर्फ फीस है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सारे बीटेक के कोर्सेज है यहाँ पे, तो मेजर कोर्सेज सारे के सारे हैं। अब 10वीं पास होने चाहिए, बस इतना लिखता है, सिर्फ पास और कुछ लिख ही नहीं रहा है, और एवरेज पैकेज देख लो भाई, देख लो भाई, 10,000 रुपए एक साल का दोगे और एक साल का पैकेज 4,30,000, तो रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट 43 times का रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। मजा आया, आ रहा है समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट कॉलेज पे बढ़ते हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता। ये कौन कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ सर इसका तो नाम आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए भाई, जादवपुर यूनिवर्सिटी सारे लोग जानते हैं, बहुत ही बढ़िया फेमस कॉलेज है यार। मैं तुम सारे लोग को इतना बढ़िया बढ़िया कॉलेज बता रहा हूँ, तुम वीडियो लाइक नहीं करो, जरा जल्दी से वीडियो लाइक करो भाई, जरूरी है, नहीं तो फिर सारा मोटिवेशन ही टूट जाता है, जरा वीडियो लाइक करो जल्दी। चलिए जादवपुर के बारे में बताते हैं, तो 1905 में एस्टैब्लिश हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, 96 acres कैंपस, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेड NASE के द्वारा, NIRF की रैंकिंग 11, सब बढ़िया बेहतरीन, 10,000 रुपए एक साल का, तो एक साल का भाई 10,000 का, और 10,000 के बाद मोड ऑफ एडमिशन इसमें सिर्फ WBJEE है, तो जिन बच्चों ने इसको भरा होगा वही जा पाएंगे, बाकी नहीं जा पाएंगे, बट ठीक है, कॉलेज अच्छा है, रडार में रखना, अभी
बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 11वीं 12वीं के होंगे, कौन कौन है भाई 11वीं 12वीं वाला, जरा हाथ खड़े करो। 11वीं 12वीं वाले बच्चों को हमेशा ध्यान रखना है कि वो इस एग्जाम को जरूर लिखे, क्योंकि अगर ये निकल गया तो यहाँ पढ़ पाओगे। ठीक है, अब अच्छी बात देखो, एवरेज देखो, जल्दी देखो, एवरेज पैकेज 10 लाख पर एनम, और फीस 10,000 पर एनम, और एवरेज पैकेज बेटा 1,000 के, मतलब ये 10 लाख है बेसिकली, मैंने 10 लाख लिखा है। रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट बेटा 100x 100x, 100 गुना जितना पैसा लगाओगे उसका 100 गुना मिलेगा। इतना तो ना स्टॉक में मिलता, ना बिजनेस में मिलता, ना कहीं मिलता है, 100 गुना ज्यादा मिल रहा है। देख रहे हो कितना बेहतरीन कॉलेज है, तो आपका 10,000 लगाया हुआ 10 लाख बन के मिलेगा, बेहतरीन। और सिर्फ 60% चाहिए 12th बोर्ड में, 30% इंग्लिश में, कोई क्राइटेरिया है, एकदम आसानी से कोई भी बच्चा इसको पार कर ले मजेदार तरीके से। आया मजा? हाँ आया ना, आया मजा, जरा जल्दी बताओ, ये सब मजेदार लग रहा है, डेटा लग रहा है, डेटा देखे कि सर ये तो बहुत ही मोटिवेशनल डेटा है, अच्छा लग रहा है। और ये फील आ रहा है कि अरे सर अगर IIT नहीं भी हुआ तो इसका तो बहुत सारे कॉलेजेस भरे हैं जहां कहीं ना कहीं तो हम चले जाएंगे, आ रहा है कॉन्फिडेंस? चलो तो वीडियो लाइक करो, जल्दी करो, चलो चलो जल्दी कर दिया, जल्दी वीडियो लाइक कर, चल आगे बढ़ते हैं। अब है JMI न्यू दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, दिल्ली में है। सबसे अच्छी और बड़ी बात है कि भैया दिल्ली का कॉलेज है, 250 एकड़ का कैंपस है, दिल्ली जैसी जगह में 250 एकड़ बहुत बड़ी बात होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी मतलब जाहिर सी बात है सरकारी है, A++ ग्रेड वाला है कॉलेज भाई, अनडाउटेडली कॉलेज ही बेस्ट है, नाम सब चलता है यहाँ। अब यहाँ पे लेकिन एडमिशन JEE मेन्स से होता है, और चूंकि कॉलेज बहुत बढ़िया है तो JEE मेन्स की रैंकिंग यहाँ हायर जाती है। बट ध्यान रखिएगा, अगर आपका अच्छा रैंकिंग है तो बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है पता है, नाम जामिया मिलिया इस्लामिया है, तो दो यूनिवर्सिटीज के बारे में बच्चों को बहुत गलतफहमी है, किसके बारे में, पहला JMI और दूसरा AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो दोनों जगहों पे बच्चों को क्या लगता है यहाँ सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स अलाउड है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, हिंदू स्टूडेंट्स मुस्लिम स्टूडेंट्स, सरकार इस पे भेदभाव नहीं कर सकती है क्योंकि भारत का संविधान ये कहता है कि कोई भी सरकारी कॉलेज या सरकारी जगह किसी इंसान के से भेदभाव सिर्फ उसके जाति, उसके लिंग और उसके रंग के आधार पे नहीं कर सकती, कास्ट कलर सेक्स से कोई भी भेदभाव कोई भी बाइफर्केशन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ हिंदू बच्चा भी उतना ही अलाउड है, क्रिश्चियन बच्चा भी उतना ही अलाउड है जितना मुस्लिम या सिख या ईसाई कोई भी धर्म। तो आप लोग यहाँ जा सकते हैं, JEE मेन जो बच्चा लिख रहा है वो इन कॉलेजेस में पढ़ सकता है, ठीक है समझ गए, अच्छा बस थोड़े से रैंक लाना पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ तक समझ गए तो बढ़ते हैं आगे, एवरेज पैकेज देख बेटा 10 लाख, अरे इसका अरे 17,000 की फीस है एक साल की, बस 17,000, मैं इसको राउंड फिगर लेके 20,000 ले लेता हूँ, चलो 20,000 की फीस, 4 साल में 70 से 80 हजार रुपए लगेगा, और 10 लाख का पैकेज बेटा, 20,000 फिर से लिखता हूँ, 20,000 का इन्वेस्टमेंट और रिटर्न 10 लाख, कितना हुआ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50 गुना, 50 times हो गया तुम्हारा पैसा, 50x, आया मजा, आया मजा, देख रहे हो कितना इन्वेस्टमेंट कितना रिटर्न दे रहा है ये सारा कॉलेज, इतना खतरनाक। और 10+2 में आपको सिर्फ 55% मार्क्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एज कंपल्सरी सब्जेक्ट, और ओवरऑल 55%, मजेदार, इससे ज्यादा और क्या बढ़िया चाहिए, कुछ चाहिए कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, कितने ऐसे बच्चे हैं जो इसको जानते थे, ईमानदारी से बताओ, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ बच्चा जानता है, बच्चा जानता ही नहीं कि ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं इंडिया में, और अभी दिखाता हूँ देखो कितना बढ़िया यूनिवर्सिटी है। तो JNTU इसको जनरली बोलते हैं, JNTU हैदराबाद, तो JNTU हैदराबाद में का फायदा देखो, पहले तो 1972 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, 50 साल से ज्यादा पुराना कॉलेज है, हैदराबाद में है, तो हैदराबाद अपने आप में बहुत ही बढ़िया सिटी है, IT हब माना जाता है, ऑलमोस्ट 89 एकड़ मतलब 90 एकड़ के आसपास का कैंपस है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो सरकारी है, ए ग्रेड कॉलेज है NAIC द्वारा, NIRF की रैंकिंग देख लो, यहाँ तक सब समझ गए। फीस देखते हैं, फीस 18,000 पर ईयर, सिर्फ 18,000, मैं राउंड फिगर लेके चलता हूँ 20,000 एक साल का, दैट्स इट। अच्छा, बेस्ड ऑन एंट्रेंस ऑफ TSEMSET, तेलंगाना स्टेट का एक EMSET एग्जामिनेशन होता है, उसके थ्रू रिक्रूटमेंट मतलब एडमिशन होता है, या फिर TSECET, अब देखना आपको ये होगा कि क्या दूसरे स्टेट का बच्चा इन दोनों एग्जामिनेशंस में अलाउड है, अगर अलाउड है तो आप इन दोनों एग्जामिनेशंस को भर सकते हैं।
अगर इस साल डेट निकल गया होगा तो 11, 12 वाला बच्चा अगले साल के लिए इसको ध्यान रखना, बट बहुत जरूरी है। अगर मान लो ये इसको एग्जाम को देते हो, भले 1500 जो लगे, बट अगर अच्छा निकल गया और तुम यहाँ चले गए JNTU में, भाई सोच रहे हो बस 20,000 रुपए में तुम एक साल का इंजीनियरिंग कर लोगे, कितनी अच्छी बात है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 10+2 में सिर्फ PCM मांगा है और परसेंटेज सिर्फ 45, इससे ज्यादा बढ़िया क्या हो सकता है, सिर्फ 45%। एज 17 साल से कम होनी चाहिए, और देखो देख रहे हो एवरेज, ये सब डेटा एवरेज है भाई, मतलब। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, इस वीडियो को देखने के पहले तुमको पता था कि हमारे भारत देश में ऐसे ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज IIT और NIT के अलावा बहुत सारे हैं जितने मैंने दिखाए? क्या तुमको पता था इतने सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जिनका 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख ऐसे एवरेज पैकेज है? नहीं पता था, देख रहे हो ये है रिसर्च। और इस रिसर्च के साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ, देखो ये है हमारा भारत देश, इतना ज्यादा मजबूत अंदर से, इतना इतनी सारी इतने सारे खजाने छुपे हैं यहाँ की गलियों में कि अगर लोग खोजना चाहें तो हर एक चौराहे पे एक नगीना बैठा है। तो ये बेहतरीन है अपने भारत देश की कहानी कि भाई इतने बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस सिर्फ 20,000 रुपए साल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 10-10 लाख की नौकरी लगवा रहे हैं, ऑलमोस्ट 50 गुना तुम्हारे इन्वेस्टमेंट का, 50 गुना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर रहे हैं। तुम 20,000 रुपए लगाओगे और 20,000 लगा के 10 लाख रुपए तुमको मिलेगा साल का, इतना बेहतरीन कॉलेज, मजा आ गया होगा, आया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, वीडियो लाइक करते चलो। अगला विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत कम लोग, फिर से बहुत कम लोग जानते हैं, जो महाराष्ट्र वाले होंगे वो हर हाल में जानते होंगे, बट महाराष्ट्र के बाहर का बच्चा जानता ही नहीं कि इतना बढ़िया कॉलेज है महाराष्ट्र में। अब विश्वेश्वरैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी अच्छा विश्वेश्वरैया, अच्छा एक पुणे वाला, अच्छा इसके ब्रांचेस भी है, अच्छा क्योंकि मेरे को इसको पुणे वाला पता है, बट यहाँ पे केरला में लिखा हुआ है, ठीक है केरला और पुणे दोनों जगह है, इसके ब्रांचेस भी है। 50 एकड़ का कैंपस है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है मतलब सरकारी है, ठीक, ए ग्रेड बाय NAIC, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, 27,150 रुपए, सिर्फ 27,150, मैं राउंड फिगर में लेके चलता हूँ कि 30,000 रुपए एक साल का लगता है, तो 30,000 × 4 कर देंगे 1.25 लाख रुपए, तो 1 से 1.5 लाख के आसपास तुम्हारा रहना खाना हॉस्टल होस्टल पढ़ाई वढ़ाई सब हो जाएगा, ठीक, 4 साल का है। अब मोड ऑफ एडमिशन यहाँ खाली है, अच्छा KEEM, अच्छा स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो केरला का ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, आप देख लीजिएगा अगर आप केरला एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, अगर है तो भर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। ये 30,000 का फीस और एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख का, तो ऑलमोस्ट 10 गुना रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, 10 टाइम्स, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉलेज की तरफ, अलगप्पा चेट्टियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अब देख लो भैया अलगप्पा चेट्टियार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ का है, 1952 में एस्टैब्लिश किया था, तमिलनाडु का कॉलेज है, ठीक, ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज का मतलब ऐसा होता है कि ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो अपनी डिग्री स्वयं दे सके, जैसे IIT को डिग्री देने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से अपनी डिग्री बना सकता है, अपने कोर्सेज बना सकता है और उस पर डिग्री दे सकता है, क्लियर। अब ये B++ कॉलेज है NAIC द्वारा, ठीक है रैंकिंग खराब नहीं है, यहाँ पे देखें तो 32,000 रुपए एक साल का लगता है, स्टिल चीप कंपेयर टू एनी IIT और एनी NIT, 32,000 एक साल का लग रहा है, 4 साल का करीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख, मैं 1.5 लाख मानता हूँ 4 साल का, 1.5 लाख, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन TNEA होता है, तमिलनाडु एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बहुत सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं, आप बस चेक कर लीजिएगा दूसरे स्टेट के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं कि नहीं, ठीक है, ये देखने के बाद पैकेज देखें तो करीबन 3.5 लाख रुपए का पैकेज है, दैट्स स्टिल गुड, बिकॉज आप 1.5 लाख लगाओगे 4 साल में, और 4 साल में अगर यहाँ पे देखा जाए तो करीबन 7-7.5-15 लाख यहाँ पे मिल रहा है, तो 1.5 लाख लगा के 15 लाख मिल रहा है, मतलब आराम से तुम्हारा 10 टाइम्स का रिटर्न आ जा रहा है, isn't it? Because तुम 32,000 के आसपास एक साल में खर्चा करते हो, यहाँ का फीस कितना है 32,000, अब 32,000 खर्चा करके तुमको 370K का पैकेज मिल रहा है एवरेज, और अगर तुम थोड़ा सा भी काबिल हो तो 370 से ऊपर निकाल लोगे, है ना बढ़िया, तो 10 गुना से ज्यादा का आपका रिटर्न हो गया, बढ़िया बढ़े आगे भाई, वीडियो लाइक करते हो तो चलो सारे लोग, जरूरी है इंपॉर्टेंट है वीडियो लाइक करो। अब आते हैं अगला यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है हैदराबाद का और बहुत ही बढ़िया बहुत ही रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी है। अब इसका एक कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देखते हैं 1929 में एस्टैब्लिश हुआ था तो अच्छा खासा पुराना है, हैदराबाद में है तो जगह बहुत बढ़िया है, IT हब है,
200 एकड़ का कैंपस है, मतलब अच्छा खासा भव्य बड़ा कॉलेज है। एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सरकारी है अगेन, बिकॉज 200 एकड़ कोई प्राइवेट में तो करता नहीं है, कम ही लोग कर पाते हैं। मतलब ए ग्रेड का कॉलेज है NAAC द्वारा, बहुत बढ़िया। मूविंग फॉरवर्ड 35,000 पर ईयर का इसका फीस है, सिर्फ 35,000, बहुत अच्छी बात है। TSEMCET के द्वारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, देख लीजिएगा अगर आप इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। एंड मूविंग फॉरवर्ड सिर्फ 45% एग्रीगेट चाहिए 12वीं कक्षा में इसमें जाने के लिए, और एज जो है आपका 17 साल होना चाहिए, ठीक। और एवरेज पैकेज देखो 4 लाख से 6 लाख, मैं देख रहे हो पैसा लिया 35,000 में 4 लाख से 6 लाख के आसपास का पैकेज दे दिया, अगेन बहुत ही अच्छा, मतलब मोर देन 15 टाइम्स ऑन योर एनुअल रिटर्न, 15 गुना से ज्यादा का एनुअल रिटर्न दे रहा है, कितनी अच्छी बात है, ठीक है। कॉलेज बहुत बढ़िया है। मूविंग फॉरवर्ड आंध्रा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो आंध्रा यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, देखो जरा 1946 में एस्टैब्लिश्ड है, पुराना है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, अच्छी जगह है, काफी अच्छी जगह है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है, मतलब सरकारी है, ए ग्रेड कॉलेज है NAAC द्वारा, और देखो NIRF की रैंकिंग भी बहुत मतलब खराब नहीं है। 40,000 एक साल का लगता है, ठीक है। APEMCET के द्वारा इसमें एडमिशन होता है। मूविंग फॉरवर्ड 10+2 में 12 में सिर्फ 45% मार्क्स चाहिए और 47 लाख रुपए के आसपास का एवरेज पैकेज बनता है। तो अगेन 40,000 रुपए खर्च करके आप 4 लाख रुपए से ज्यादा का एवरेज पैकेज निकाल रहे हो, मोर देन 10 टाइम्स का एनुअल रिटर्न, कितना बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया बात। मूविंग फॉरवर्ड नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, अब ये दिल्ली का कॉलेज है तो बढ़िया कॉलेज है, दिल्ली मतलब भाई दिल्ली तो सारे लोग जाना चाहते हैं। तो नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी देखो 2001 में बना था, ज्यादा पुराना नहीं है, बट दिल्ली का है, कैंपस छोटा है लेकिन ए ग्रेड है NAAC द्वारा, ग्रेड ए कॉलेज है। अब कैसे है समझिए, फीस सिर्फ 40,000 रुपए लेते हैं एक साल का, सिर्फ 40,000 रुपए, और इसमें जेई मेन्स के थ्रू एडमिशन होता है। एडमिशन थोड़ा टफ होता है क्योंकि दिल्ली का कॉलेज है और अच्छा भी है और फीस भी बहुत कम है, तो मेजोरिटी बच्चा जाना चाहता है इसमें। और मूविंग फॉरवर्ड एवरेज पैकेज देखो, देख रहे हो 9 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है, 9 लाख रुपए का, सिर्फ 60% मांगते हैं PCM में 12वीं में, इतना बढ़िया कॉलेज। तो मतलब अगर तुम अपना रिटर्न देखो तो 40,000 लगा के 8 लाख से ऊपर का पैकेज, मतलब ऑलमोस्ट 40,000 4 लाख 20 गुना से ज्यादा का रिटर्न, कितना बढ़िया है ना, मजा आ गया होगा। सच्ची में आ गया क्या, अरे कुछ नहीं आया रिजल्ट, सब बस मस्ती कर रहे हैं, आ गया होता तो मैं ही सबसे पहले भागता है ना। चलो लेट्स मूव ऑन, सो बस दैट वाज ऑल 11 कॉलेजेस के बारे में आज इस सेशन में मैंने आपको बताया, जिस 11 कॉलेज में सारे जगह फीस मैक्सिमम 40,000 थी, मैक्सिमम 40,000 फॉर अ ईयर, और सबका एवरेज पैकेज मिनिमम 4 लाख रुपए था, मिनिमम 4 लाख, नहीं तो 4 लाख से ऊपर ही था, ठीक है। तो इन सारे कॉलेजेस से मेरा उम्मीद है कि आपको बहुत मदद मिली होगी और आपको आगे का ये भी गाइडेंस मिला होगा कि भाई अगर 11 ये मास्टर खोज सकता है तो 2-4-5 तो तुम भी मेहनत करके खोज सकते हो तुम्हारे स्टेट में, तो आप जरूर खोजिए। और ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो अच्छे हैं, सस्ते हैं और वहां से पैकेजेस अच्छे रखते हैं, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस में आप जा सकते हैं, और आप अगर कोई बच्चा IIT या NIT नहीं जा पा रहा है तो वो अपने आप को एक अच्छी जगह लैंड करा सकता है, ठीक है। इस सेशन का PDF मैं आपको इस टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, इस टेलीग्राम चैनल को ऐसे भी बच्चे सब्सक्राइब करके रखें बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारे काम के PDF आपको मिलते रहेंगे, तो ये एक तरह का PDF लाइब्रेरी है। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ले लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, उनकी भी मदद कीजिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।